रखो। अल्लाह अकबर। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ आजादी, 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 आजादी। ये महीना में बात बताओ, नीरू वाला नीरू वाला अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। इंकलाब। इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें चार चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है, वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो चार चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफर होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है, और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं, मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफर है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक आप इस मजहबी फिक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबले में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद। जो टेररिज्म का वाकया है उससे पहले पाकिस्तान को कभी शिकायत नहीं हुई। पानी मुसलसल आया है, हमारे हिस्से का आया है, हमने एक फार्मूला तय कर रखा है, कुछ दरिया उनको दिए हैं, कुछ दरिया हमारे पास हैं, और जो दरिया मुश्तरक हैं ज्यादातर उन्हीं के साथ बहाव है हमारी तरफ, तो वहां भी कोटा हमें हमारा मिलता रहा। लेकिन जब से टेररिज्म का वेपन शुरू हुआ है इस्तेमाल होना, और दुनिया सब कहती है कि हमारी तरफ से हो रहा है, तो या तो हम ये कहें सारी दुनिया क्योंकि आप सब गलत हैं, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद अमेरिका दुनिया को नहीं मनवा पाया कि वो सही है। जहां गलती करता है दुनिया उसे उसकी मजम्मत करती है और उसे मानना पड़ता है। हम इतने ताकतवर नहीं है, अगर हों भी तो हमें ये रवैया नहीं रखना चाहिए कि हम कह दें नॉन स्टेट एक्टर हैं, फलां हैं, फलां हैं। ये हकीकत है कि हमारे यहां टेररिस्ट मौजूद हैं, ये हकीकत है कि हमारे यहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये हकीकत है कि हम पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म। तो इस सूरत हाल में हमें देखना यह होगा कि मसला पानी है या मसला इंडिया पाकिस्तान टेंशन है। मेरा ख्याल है कि बुनियादी मसला इंडिया पाकिस्तान टेंशन है। जब तक हम इसे दूर नहीं करेंगे, जिसके पास जो वेपन है वो इस्तेमाल करेगा।
जनरल साहब इंडिया ने एक सेकेंड और जी जी इंडिया ने आपने उनका पानी आपका पानी उन्होंने रोक रखा है। इंडिया ने कभी शिकायत की कि आपने उनके रास्ते रोक रखे? इंडिया का यूरोप से रास्ता आपके यहां जाता है, सेंट्रल एशिया को आपसे जाता है, रशिया के साथ उसकी बहुत ट्रेड है वहां जाता है, आप उनको रास्ता नहीं खोल के दे रहे? उनके इस रास्ते से उन्हें बहुत इकोनॉमिक फायदे होते हैं, आपको भी होते हैं, आपके काम उनके ज्यादा है, आप नहीं खोल के दे रहे। तो वो पानी अगर रोक रहे हैं तो ये उस कशीदगी का नतीजा है। जब तक हम ये कशीदगी दूर नहीं करेंगे, इस तरह के जैसे हम रास्तों के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी टेररिज्म हो रही है, मेरा ख्याल है दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं हो रही। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत या जिन जहां इनका ख्याल है, पाकिस्तान की अफवाज अगर रोकती तो सबसे पहले इन Ha 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 ha!